हाँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मिनी? मिनी? वही मिनी जो लिपस्टिक के अगले इशू में हेडलाइन बनने वाली है। प्लीज आप अंदर आइए, बैठो। मिनी, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरे आंसू पोछने वाला कोई नहीं है। आत्महत्या कर लेती मैं तो, अगर मेरे पेट में ये नन्ही सी जान ना होती। लेकिन तुम आत्महत्या करना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं तरुण से बेहद प्यार करती हूँ। तुम्हें तरुण से इतना प्यार कैसे हो गया मिनी, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि प्यार जिंदा रहने की वजह होती है, और प्यार के खातिर तुम आत्महत्या की बात कर रही हो। क्योंकि मेरा प्यार एक तरफा है, और जब प्यार एक तरफा होता है ना सुनीति, तो बहुत दर्द होता है। क्या तुमने कभी प्यार किया है? मैंने प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो बस हो जाता है। सही कहा तुमने, मैं भी तरुण से कब और कैसे प्यार कर बैठी ये मुझे भी पता नहीं चला। मैं तो बस उसे हाई सोसाइटी में एंट्री पाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। प्रेग्नेंट होकर मैं मिसेस सिंघानिया बनना चाहती थी, ताकि मैं अमीर बन जाऊं। और अब तुम ये सब नहीं चाहती हो? अब तो मैं सिर्फ तरुण की खुशी चाहती हूँ, और तरुण को चाहती हूँ। तरुण ये नहीं चाहता कि ये बात लोगों को पता चले कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और मैं उसे ये वादा कर चुकी हूँ कि मैं ये बात जब तक वो नहीं चाहता ये किसी को नहीं बताऊंगी, और ना ही किसी को कहने दूंगी। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ मिनी, ये बात खुल जाने से तरुण को तुमसे शादी करनी पड़ेगी। कब तक टिकेगी ऐसी शादी जो प्यार के लिए नहीं इज्जत बचाने के लिए की गई हो? कैसे निभेगा ये पति पत्नी का साथ, जब इस साथ में पति को हमेशा ये महसूस होता रहेगा कि उसकी शादी जबरदस्ती की गई हो? क्या वो पति खुश रह पाएगा? क्या वो पत्नी खुश रह पाएगी? नहीं सुनीति, कोई खुश नहीं होगा। और शादी तो एक ऐसा बंधन है जिसमें जितनी ज्यादा खुशियां बढ़ जाए उतना ही वो मजबूत होता जाता है। और तुम चाहती हो कि अगर तरुण को इस तरह तुमसे शादी करनी पड़े तो बेहतर हो कि वो ना ही करे, हुँ? लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब ये न्यूज तुम नहीं छापोगी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ सुनीति, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम जो शर्त रखोगी, तुम जो कहोगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस ये खबर तुम मत छापो, मेरा वादा टूट जाएगा मेरा वादा। देखो मैंने भी अपने आप से एक वादा किया है कि मैं सिंघानिया खानदान को बर्बाद कर दूंगी। शीतल सिंघानिया को दर्पण के दफ्तर से निकाल कर ही रहूंगी। मुझे वो वादा पूरा करना है। ये वादा पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम? हाँ, तरुण की मर्जी से उसकी पत्नी बनकर मैं उसे इस काबिल बनाऊंगी कि वो दर्पण ज्वाइन कर सके और अपने पिता की जगह ले सके। और इस तरह शीतल सिंघानिया के लिए दर्पण में कोई जगह नहीं रहेगी। ये मेरा वादा रहा आपसे। सर, I'll talk to you later. अपने बुके मंगाया था। थैंक यू वेरी मच सिमरन, दे आर लवली। सर, आज ऑफिस में किसी का बर्थडे है? नहीं, आज ऑफिस में किसी का बर्थडे नहीं। थैंक यू। इट्स ओके सर। आज तो उसका जन्मदिन है जिसका जन्म सिर्फ मेरे लिए हुआ, और ये फूल मैं उसे खुद दूंगा। आप अगर होते तो आपको जरूर याद रहता कि आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन अब तो ऐसा कोई भी नहीं जिसे मेरा जन्मदिन याद रहे। सर, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं साहब को लख लिया। जी, शुक्रिया। जी सर। आइए लूथरा साहब। मैं जानती थी आज आप जरूर आएंगे, माँ से मिलने आए हैं ना, वो भी फूलों का गुलदस्ता लेकर।
क्या तुम्हें फूल पसंद नहीं है शीतल? मुझे कांटेदार फूल पसंद नहीं है लूथरा साहब, और आपके इन फूलों में तो कांटे ही कांटे हैं। कांटे कभी मुरझाते नहीं शीतल, फूल मुरझा जाते हैं। और आज आप जो फूल खिलाने यहाँ आए हैं वो फूल मैं खिलने ही नहीं दूंगी। धमकी दे रही हूँ मुझे तुम? सुनीति वर्मा ने क्या नीचा गिरने की कसम खा रखी है? मेरे पापा को मार के भी उसे तसल्ली नहीं मिली जो आज वो मेरी माँ के पीछे पड़ गई है। ये तुम्हारी गलत फहमी है शीतल, सुनीति वर्मा तुम्हारे पापा की मौत की जिम्मेदार नहीं है। विजय सिंघानिया की मौत का जिम्मेदार उनका अपना बेटा है तरुण सिंघानिया। और आज उसी तरुण की वो झूठी खबर जो सुनीति ने आपको सुनाई है वो आप मेरी माँ तक पहुंचाने आ गए ताकि माँ भी उस झूठ का यकीन कर ले और मान ले कि शादी से पहले ही मिनी तरुण के बच्चे की मां बनने वाली है। What? शीतल मां, मां ना जाने ही आपने कहां से इमेजिनरी स्टोरी पर रख लिया है तरुण के बारे में। जस्ट डोंट बिलीव हिम मां, डोंट बिलीव हिम, जस्ट डोंट बिलीव हिम। न जाने इससे और उस सुनीति वर्मा को क्या मिलता है हमारे बारे में ऐसी झूठी कहानियां सुनाकर। कहानी तो तुम सुना रही हो शीतल, और बहुत ही दिलचस्प है। शुरू से सुनाओगे तो और भी मजा आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपकी मैगजीन एडिटर सुनीति वर्मा ने अभी तक अपनी ये झूठी खबर आपको नहीं सुनाई? नहीं, सुनीति ने मुझे इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यह सेंसेशनल न्यूज मैं तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रहा हूं, और मैं भी उतना ही हैरान हूं जितना कि रोहिणी। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूं। अगर सुनीति से आपने ये सब कुछ नहीं सुना तो मेरी मां को क्या सुनाने आए हैं आप? मैं तो रोहिणी को उसके जन्मदिन पर मुबारकबाद देने आया था। जन्मदिन मुबारक हो रोहिणी। मैं तो सिर्फ फूल लाया था तुम्हें तोहफे में देने के लिए, लेकिन तुम्हें तो तोहफा मिल गया अपनी औलाद से। बिन ब्याही बहू, बिना नाम सिंघानिया फैमिली का बच्चा। जगन, रोहिणी तुम सुनीति को अच्छी तरह से जानती हो। अगर सुनीति ये खबर निकाल के लाई है कि मिनी बगैर शादी के बच्चे की मां बनने वाली है तो यकीनन ये खबर सच्ची होगी। लेकिन फिर भी मैं ये न्यूज जरूर कंफर्म करूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे सुनीति पर विश्वास नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि तरुण तुम्हारा बेटा है रोहिणी। हेलो। हेलो जैस्मीन। जगन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आज मेरी याद कैसे आ गई? सरप्राइज? क्यों झूठ बोल रही हो जैस्मीन? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें फोन क्यों किया है? तो क्या सुनीति ने तुम्हें ये मिनी और तरुण वाली खबर दे दी? नहीं, मिस शीतल सिंघानिया ने मुझे बताया। क्या? हाँ जैस्मीन, मैं सिंघानिया के यहाँ कुछ काम के लिए गया था तो शीतल ये समझ बैठी कि मैं रोहिणी को मिनी और तरुण के बारे में बताने आया हूँ। लगा दिया उसने मुझ पे इल्जाम कि रोहिणी को मैं मिनी के बारे में बताने आया था कि मिनी शादी से पहले तरुण के बच्चे की मां बनने वाली है। I was absolutely shocked to my wits, flabbergasted. रोहिणी का चेहरा देखने लायक था, ऐसे लग रहा था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जैन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये खबर रोहिणी को खुद शीतल सिंघानिया ने दी है। वही शीतल सिंघानिया जो हर हालत में हर कीमत पे इस खबर को छुपा के रखना चाहती थी, जो किसी को ये नहीं पता लगने देना चाहती थी कि तरुण ने मिनी को प्रेग्नेंट कर दिया है। वही शीतल जिसने मिनी को उसका बच्चा अवॉर्ड करने की बात कही थी,
उसी शीतल सिंघानिया ने रोहिणी सिंघानिया को ये खबर दी? Can't believe it. वही तो, वही शीतल सिंघानिया आज ये कह रही है कि ये खबर बिल्कुल झूठी है। जगन, ये वो सच है जो लाख छुपाने से छुप नहीं सकता और लाख बार झुठलाने से झूठ में बदल नहीं सकता। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम यहाँ आ जाओ और मिनी को अपनी आंखों से देख लो। तुम उसे देखते ही समझ जाओगे कि वो वाकई प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर सुनीति ने मुझसे ये खबर क्यों छुपाई? वो इस बेवकूफ मिनी की वजह से। ये सुनीति के पास गई, वहां रोई गिड़गिड़ाई कि सुनीति ये खबर ना छापे, क्योंकि ये तरुण से वादा कर चुकी है कि जब तक तरुण नहीं चाहेगा मिनी ये बात किसी को नहीं बताएगी। लेकिन सुनीति तो तरुण से नफरत करती है। लेकिन उतनी नहीं जितनी नफरत वो शीतल सिंघानिया से करती है। मिनी सुनीति से वादा करके आई है कि ये तरुण को इस काबिल बना देगी कि तरुण शीतल सिंघानिया को दर्पण से निकाल कर खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा। Oh, I see. तो इसमें तो मैं भी उसकी मदद करूंगा, जैसे वो चाहेगी वैसा करूंगा। तो क्या तुम ये खबर छाप रहे हो? जैस्मीन, अब उसकी जरूरत भी नहीं है। जिसको ये खबर मिलनी थी उसे तो मिल गई, अब देखना यह है कि रोहिणी क्या करती है। Okay. ये क्या कर रही हो जैस्मिन? क्यों मेरा तमाशा बना रही हो? मिनी, 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 कई बार हकीकत को सामने लाने के लिए तमाशा बनना पड़ता है, समझी? समझ जाओगी। बहुत कमी महसूस हो रही है आपके। क्यों आप मुझे इस तरह छोड़कर चले गए? क्यों आपने विश्वास कर लिया उस झूठी कहानी का और आज मुझे ये खबर मिली? मैं किसका विश्वास करूं, शीतल की सच्चाई का या जगन के झूठ का? लेकिन जगन ने तो कुछ कहा ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? क्या शीतल झूठ बोल रही? मतलब ये खबर सच्ची है? यही सच, तभी तो शीतल उसे झूठा साबित करना चाहती थी। क्यों वो ये समझ बैठी कि जगन मुझे वो खबर देने आया है जो जगन खुद से नहीं जानता था? वो ऐसा क्यों कर रही? और ये मिनी कौन है? पहले मुझे यही पता लगाना चाहिए कि मिनी कौन है, क्योंकि वो ही मुझे सारी सच्चाई बता सकती है और तब मैं अपना फैसला करूंगी। और मेरा फैसला वही होगा विजय जो आपका होता, तरुण और मिनी की शादी। आपने जो कवल नायर के साथ माया मोहिनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसकी कॉपी आपके पास है? ऑफ कोर्स है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में तो ये मेंशन भी नहीं है कि मेरा डुप्लीकेट यूज करके वो इस तरह के न्यूड सीन्स पिक्चराइज करेंगे। हाँ निशा जी, लेकिन ये भी तो मेंशन नहीं है कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। व्हाट डू यू मीन सुनीति? व्हाट आई मीन निशा जी इज दैट लीगली देखा जाएगा तो ये केस काफी समय तक चलेगा, कम से कम 6 महीने तो आप डेफिनेटली न्यूज में रहेंगे। लेकिन ये न्यूज छपना कब शुरू होगी? मेरा आर्टिकल रेडी है और इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू भी शामिल है, लेकिन ये आर्टिकल तब छपेगा जब कवल नायर अपनी रिलीज डेट अनाउंस करेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि ये फिल्म रिलीज हो और मेरे फैंस मुझे इस कैरेक्टरलेस कैरेक्टर में देखें। यही तो मैं कह रही हूँ निशा जी, रिलीज डेट कम से कम 2 हफ्ते पहले अनाउंस हो जाती है। जिस दिन डेट अनाउंस होगी उस दिन आप केस फाइल करेंगे और 2-3 दिनों में तो लिपस्टिक में आर्टिकल छप जाएगा, आप तो हॉट न्यूज आइटम बन जाएंगे। केस को आगे बढ़ने के लिए मैटर मिल जाएगा और जब तक केस चलेगा देयर इज नो वे दैट द फिल्म कैन बी रिलीज्ड, फिल्म विल बी बैंड। कवल नायर को अपनी फिल्म रिलीज करने का मौका ही नहीं मिलेगा, बस वही होगा जो आप चाहती हैं। यू आर सो क्लेवर सुनीति। एंड फॉरसाइटेड टू सर। हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती रहती है सुनीति, किस बात का आगे चलकर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ये उसे मालूम है ना सुनीति? इसलिए तुमने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं बताई। कैसी न्यूज सर? वही जो तुम्हें तब पता चली जब तुम रूपाली के घर कमल नायर के बारे में पूछताछ करने गई थी। ओह,
वो न्यूज? हाँ वही न्यूज जो माया मोहिनी या निशा देवी से कोई कनेक्शन नहीं रखती। फिर तो मेरे यहाँ रुकने का कोई फायदा ही नहीं। वैसे ही मुझे शूटिंग पर जाना है और ये बड़ी न्यूज मैं लिपस्टिक के नेक्स्ट इशू में जरूर पढ़ लूंगी। बाय। लिपस्टिक का नेक्स्ट इशू छपने तक पता नहीं और क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे मिनी और तरुण के लाइफ में। तो सर क्या आप ये न्यूज छापेंगे या नहीं? सुनीति जब तरुण अंडरवर्ल्ड के पैसों के साथ पकड़ा गया था तब हमने ये न्यूज तरुण की वजह से नहीं रजत देसाई की वजह से छापी थी। ही इज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री। लॉकअप में होते हुए भी उसकी फिल्म नहीं रुकी। वो एक क्लासिक नॉवल पर बेस्ड फिल्म थी। फिल्म रिलीज हुई, हिट भी हुई। सुनीति ही इज अ वेरी बिग मैन। तरुण सिंघानिया कौन है? कौन जानता है उसे? हाँ ये अलग बात है कि मैं विजय सिंघानिया को नीचा दिखाना चाहता था इसलिए ये न्यूज उस तरह से पब्लिश हुई। तरुण या मिनी बॉलीवुड के कोई फेमस पर्सनालिटीज तो नहीं है जो हमारे रीडर्स उनके बारे में पढ़ना चाहेंगे। ये न्यूज जिसे मिलने थी उसे तो मिल गई। किसने सर? रोहिणी सिंघानिया को। हालांकि शीतल का कहना है कि खबर बिल्कुल झूठी है लेकिन मैंने जैस्मिन से फोन पे बात की और ये खबर बिल्कुल पक्की है कि मिनी तरुण के बच्चे की मां बनने वाली है। सर तो क्या मिनी ने आपसे खुद कहा कि वो तरुण के बच्चे की मां बनने वाली है? नहीं, वो तरुण को दिए हुए वचन से बंधी हुई है। तुम्हें भी तो एक वचन दिया था उसने। जी लेकिन ये वचन वो पूरा नहीं कर पाएगी। तरुण इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि वो शीतल को दर्पण से हटाकर उसकी जगह ले ले। शीतल को हराना इतना आसान नहीं है सुनीति। शी इज अ फादर्स डॉटर आफ्टर ऑल। लेकिन फिर भी आप कह रहे कि ये न्यूज लिपस्टिक में नहीं छपेगी? नहीं सुनीति, अभी अभी निशा के सामने मैं तुम्हारी तारीफ तो कर रहा था कि तुम बहुत दूर की सोचती हो। मैंने भी कुछ सोच रखा है तरुण के बारे में। क्या सर? हमें तरुण को डिसप्लीज नहीं करना चाहिए। उसे यह एहसास होना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हुए भी उसके बारे में लिपस्टिक में कुछ भी नहीं छापेंगे। लेकिन क्यों सर? क्योंकि मैं मिस्टर विजय सिंघानिया के बेटे मिस्टर तरुण सिंघानिया को लिपस्टिक में काम पर रखना चाहता हूं। क्या? हां सुनीति, जब तरुण सिंघानिया नाकामयाब होगा शीतल को हटाने में तब मैं उसे यह ऑफर दूंगा। मैं उसे एक ऐसे सोने की तस्करी में रखूंगा कि वो ये ऑफर कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकेगा और दर्पण का मालिक जब लिपस्टिक में नौकरी करेगा देन आई विल हैव द लास्ट लाफ।